एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमपीज और एमएलएस जो सिटिंग है, उनकी हिमाचल प्रदेश रोडवे एचआरटीसी की बसों में जो फ्री ट्रेवल फैसिलिटी प्राप्त थी वो समाप्त कर दी गई है, स्टेट के अंदर भी स्टेट के बाहर भी। सिर्फ अब एक्स एमएलएस को, एक्स एमपीज को ये मिलेगी, सिटिंग एमपीज को ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है जो पहले से तय था, एक महत्वपूर्ण निर्णय में 118 की एम्बुलेंसीज हैं हमारी, जिसमें प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही थी, 118 ध्यान रहता है ज्यादा, 108 नंबर की, 108 और 102 ही है ना। इसमें 38 नई एम्बुलेंसीज जो है वो उनको नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108 जो है वो उनके पास जो पुरानी है उनको रिप्लेस करने की जो है वो सरकार ने इजाजत दे दी है, और बाकी विषयों पर जो है वो जो पुरानी हो गई हैं जिनकी अपनी इकोनॉमिक लाइफ जो है खत्म हो गई 108 एम्बुलेंसेज की, उनको जो है वो रिप्लेस जो है वो करने की मंजूरी दी है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और 108 की बहुत अच्छी सर्विसेज पूरे प्रदेश में मिल रही हैं। एचआरटीसी ने तय किया है कि सारे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में, जिसमें पंजाब ने भी अपनी बसों का किराए बढ़ाए हैं, उत्तराखंड ने तो बहुत अधिक जो है वो बढ़ाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आज जो है वो बसेस कोविड के कारण जो है 33% से अधिक जो है नहीं चल पा रही हैं, डीजल के रेट भी बढ़े हैं, तो इसलिए जो है वो 25% किराए में वृद्धि करने की जो है इजाजत एचआरटीसी को और ट्रांसपोर्ट विभाग को दी गई है। हालांकि मंत्रिमंडल जो है वो इस प्रकार की जो है ये बढ़ोतरी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पास पड़ोस के सभी प्रदेशों ने हिमाचल प्रदेश से ज्यादा बढ़ोतरियां की हैं, और यहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स भी एचआरटीसी की बसें थी जो आज की कैपेसिटी में चल रही हैं 5 करोड़ का जो है वो घाटे में चल रही हैं, तो इसलिए सब इस बर्डन को जो है उठाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है वो उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा बर्डन सबके ऊपर रहेगा एक समान हिल और निचले एरिया में, तो उसका जो है वो निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है वो कोविड-19 की स्थिति में जो हमारे एसओपीज हैं उसका जो है वो 31 जुलाई तक की गाइडलाइंस अभी सेंटर की आई हुई हैं, उससे पूर्व जो है मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होगी उसमें आगे की निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश जो है वो रिकवरी के लिहाज से भी हिंदुस्तान में नंबर एक है, सबसे ज्यादा जो है रिकवरीज हो रही हैं यहां, और मृत्यु दर जो है वो हिंदुस्तान में सबसे कम है हिमाचल प्रदेश की, और जब लॉकडाउन जो है वो अनलॉक में बदला हिंदुस्तान की सरकार के निर्णय हुए उसमें उन निर्णयों का पालन करते हुए भी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है वो सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रारंभ में जब निर्णय लिया गया था तो लगभग डेली आमद जो है वो 8,000 तक हो गई थी बाहर के प्रदेशों से, लेकिन अब घटकर के जो है वो जब ये सख्तियां बढ़ती गई हैं जो हमारे ई पास इत्यादि बनाने में, उसके कारण जो है ये अब 4,000 के ऊपर, 4,500 के ऊपर जो है वो पहुंच गई है, मतलब कमी हो रही है बाहर से आने वाले लोगों के लोगों में हिमाचल प्रदेश में। और अभी तक कोई भी टूरिस्ट जो आया है कहीं बाय चांस
तो उसका कोई भी जो है वो अभी पॉजिटिव नहीं पाया गया, क्योंकि उनको पहले ही सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है, टेस्ट करा करके आना पड़ता है। कुछ लोग जो है वो चोर दरवाजे से आते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो अभी तक सोलन में जो है और सरमौर में हुई है वो बहुत लिमिटेड क्षेत्र की है, क्योंकि वहां पर भीतर घुसने के बहुत सारे स्टेशन हैं, और मजदूर जो हैं वो जो वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो चले गए थे बाहर वो वापस आ रहे हैं। उस पर जो है वो जिला में प्रशासन को जो है सोलन को जो है वो आदेश दिए गए हैं कि उसमें जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी बातचीत करके या कानून का जो है वो अगर जो है प्रयोग करना पड़ता है तो उसके द्वारा जो है इस प्रकार के जो लोग आते हैं उनकी क्वारंटाइन, चाहे होम क्वारंटाइन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, उसको करने का जो है वो सख्ती से जो है पालन करेंगे, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कार्यरत 34 ईजीएस इंस्ट्रक्टर्स हैं अभी तक, जिनमें बहुत सारे जो है वो ऑलरेडी ग्रामीण विद्या पार्षद में कन्वर्ट कर दिए थे, लेकिन ये 34 ईजीएस रह गए थे, इनको भी ग्रामीण विद्या उपासक में जो है वो कन्वर्ट करने को स्वीकृति प्रदान की है, जो जो अपने जो है वो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हों। इसी प्रकार से जो है वो भरमौर के जो है वो लोअर थरेडी बाकण पंचायत है, ग्राम पंचायत, वहां पर नया प्राइमरी स्कूल खोलने को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पद भरने को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। एजुकेशन विभाग का ही महत्वपूर्ण निर्णय, 771 खाली पद हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के कैडर में। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का कैडर जो है वो डाइंग कैडर हो गया है, लेकिन उसके स्थान पर जो है दूसरी कोई व्यवस्था जो है वो सरकार ने जो है पिछली सरकार के समय हुआ था वो व्यवस्था नहीं की थी। हमने अब 771 पद जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के जो है वो शिक्षा विभाग में आज जो है स्वीकृत किए हैं मंत्रिमंडल द्वारा, जो लाइब्रेरी से संबंधित है। और इसी तरह से एक ऊना के में जो है वो लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द में, कोटला खुर्द में जो है वो चल रहा है, कन्याओं का विद्यालय है ये, फ्री एजुकेशन देता था, इसको भी सरकार ने टेक ओवर करने का निर्णय लिया है। और इसमें जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको एज पर एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है टेक ओवर की, उसके मुताबिक जो है उसकी सर्विसेज ली जाएंगी, जो है वो कोशिश की जा रही है। और जितनी सख्ती, जितने जो है वो कोविड के दिनों में जो इस परिस्थिति में जो है वो किए जा सकते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में उन सब बातों का जो है पालन ही नहीं किया जा रहा है। वरन आप जो है वो परवाणु से नीचे कहीं जाएं तो बिना पूछे रोक टोक के बगैर जा सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपको कहीं भी एंटर करना होगा बिना रोक टोक के कोई नहीं आ सकता, एक स्थान पर नहीं दो स्थान पर। तो इसलिए बहुत हद तक जो है वो कोशिश की है, लेकिन प्रदेश में आज जो है वो सेब का सीजन है, जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का जो है वो एक बैकबोन है। उस स्थिति में जहां हमको जो है वो मजदूर चाहिए, भाई हमारे जिलों से एक ही स्थान से 5,000 मजदूर तो जो है वो सिरमौरी सिरमौर से जो है वो पहुंचे हैं शिमला में, और आज जो है वो किसी प्रकार के जो है जो बॉक्सेस हैं, पेटियां हैं, उसकी जो है कोई कमी नहीं रही है। आम सालों के मुकाबले में आज जो है वो ज्यादा बेहतर ढंग से जो है वो इस क्षेत्र में काम हो रहा है, और इसीलिए
जो है वो बागवानों को जो सेब ठीक भाव पर बिकना चाहिए उसके लिए पूरी सजगता के साथ सरकार जो है वो काम कर रही है। इस पर भी जो है चर्चा मंत्रिमंडल ने जो है वो की है कि इसको जो है वो और जिला अधिकारियों को अपने सारे ऑफिसर्स को सबको जो है वो इसमें पूरी तरह से जो है काम करने की के लिए जो है वो कहा गया है। और हिमाचल प्रदेश की एक और मुश्किल भी है जो इस प्रकार के कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ रहे हैं। इन 3 महीनों में एक क्वार्टर में 30,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का जो है वो असर पड़ा है हिमाचल प्रदेश में। ओनली इन हिमाचल प्रदेश विद इन 3 मंथ्स 30,000 करोड़। तो हिमाचल प्रदेश जैसा बिना संसाधनों वाला पहाड़ी प्रदेश जो है इन सब चीजों के होते हुए भी मैनेज करने की कोशिश की जा कर रहा है। इसके लिए जो है वो मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो बधाई दी है कि बहुत अच्छे प्रकार से जो है वो पूरे इस सिचुएशन को जो है टैकल किया जा रहा है, क्योंकि ये किसी के लिए भी नई सिचुएशन है, चाहे वो नीचे का कर्मचारी हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, क्योंकि इस प्रकार की महामारी जो है वो कभी किसी ने टैकल नहीं की थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश जैसा भारत जो है वो दुनिया के देशों में रिकवरी रेट में सबसे ऊपर है और साथ ही साथ जो है वो यहाँ की मृत्यु दर भी काफी कम है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे जो है वो रिकवरी रेट में 70% से अधिक है और मृत्यु दर जो है वो बहुत सबसे नीचे है, लास्ट में है, इन द बॉटम है। इसलिए ये सारी चीजें जो है इस अर्थव्यवस्था की स्थिति में, इसको संभालने की स्थिति में, प्रदेश में विकास के काम भी बंद ना हो, इसलिए उस पर भी जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, काम तीव्र गति से किए जा रहे हैं।